इधर श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित। सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है, पिया हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका हमें भोग भोगने को मिल रहा है। तो सुदामा कहने लगे हैं, प्यारी सुनो, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो मेरे बचपन के मित्र थे कृष्ण। जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो एक बार गुरु माता ने हमें और कन्हैया को लकड़ियां लेने के लिए भेजो। प्यारी जब हम लकड़ियां लेने के लिए गए तो मैया ने चना रख दिए थे। वो चना हमने अकेले चाव लिए। गुरु से कपट मित्र से चोरी और के हुई निर्धन के हुई कोरी। देखिए ये कथा तो सब लोग बता देते हैं कि सुदामा ने चना अकेले चावे थे, लेकिन बंधुओं याद रखना, सुदामा ने वो चना क्यों अकेले चावे थे उसमें कारण था। देखिए एक विधवा ब्राह्मणी थी, विधवा तो विधवा ब्राह्मणी इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए भी भरपेट भोजन नहीं था। तो विधवा ब्राह्मणी मांगने के लिए गई तो उसे भीख में चना मिले, चना माता। तो वो चना वो ब्राह्मणी लेकर के आई तो उन्होंने विचार किया, आज का तो हमारा दिन कट गया, अब ये चना मैं सुबह चाप लूंगी। तो वो चना रख दिए उस बुढ़िया ने। तब तक चोर आ गए और चोरों ने समझा कि इस पोटली में हीरा मोती है, तो वो चुरा करके लाए। जब खोल करके देखा तो उसमें चना थी। तो उन चनाओं को वो चोर फेंक करके चले गए। तो देखिए जहाँ सुदामा और कृष्ण पढ़ा करते थे उसी गुरुकुल के सामने पड़े हैं, तो उस गुरु मैया को वो चना मिले हैं। जब मिले तो वो चना उन्होंने रख लिए। तो जब प्रातः काल सुदामा और कृष्ण लकड़ियां लेने गए तो गुरु मैया ने वही चना दे दिए, लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, कहा जो मेरे चनाओं को चावेगा वो मेरी तरह ही दरिद्री बन जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। तो देखिए सुदामा ने जब देखा, सुदामा समझ गए इन चनाओं को श्राप लगा हुआ है, लेकिन ये अन्न है मैं फेंकूंगा नहीं। अगर मैंने अपने कन्हैया को ये चना दिए तो वो गरीब हो जाएंगे, इसलिए देखिए मित्र की भावना। सुदामा ने वो चना अकेले ही चाब लिए, आज इसलिए वो दरिद्री बन गए। बोल गोविंद भगवान की। तो आज सुशीला को सुदामा समझा रहे, प्यारी गरीबी में कोई किसी का नहीं है, तुम नहीं जानती हो।